हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनफीटी की और हैक विद इन्फी इंटरव्यू रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जो जो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं डीएससी, पीपी और इसी के साथ साथ एसई रोल के लिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे डीएम किया, टेलीग्राम पे भी मैंने मैसेज देखे, इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज देखे, जीमेल पे भी मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए। मेरी टीम ने बताया आप सभी को रिप्लाई जल्दी मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, इंटरव्यू को क्रैक किया एनफीटी की और हैक विथ इन्फी के जो रोल्स के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इन्फोसिस कब अगेन हायर कर सकती है 2022 बैच को ऑफ कैंपस से रिलेटेड। और मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि आज मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं और काफी कैंडिडेट्स ने मुझे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, और काफी सारे कैंडिडेट्स अप्रोच रख रहे हैं कि नई बैचेस के लिए वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की वजह से ही मैंने आप सभी के लिए वीडियोज बनाई, आपने चैनल को विजिट किया। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का भी एक मेल डाला है, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन का भी एक कम्युनिटी पोस्ट ऐड करी है, जिसमें यहाँ पे काफी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे बताया है। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो आपको पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप 23 बैच से हैं तो आपको अगर प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप से आप यहाँ पे जो है एनफीटीक्यू की तैयारी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये रहती है कि काफी सारी वीडियोस है, जेंसी नेक्स्ट की भी वीडियो है जिसमें मैंने आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड बताया। आप इन वीडियोस को चेक कीजिए, इसमें अप्लाई कीजिए और अपॉर्चुनिटीज को मिस मत कीजिए। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है अभी ऑफ कैंपस आएंगे, आप उनमें अप्लाई कीजिए। और अगर आपको ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ऑन कैंपस में अप्लाई कीजिए। आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको चैनल से कुछ हेल्प मिलती है तो आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। onlinelearning626@gmail.com ये ईमेल आईडी है, उस पर आप मेल कर सकते हैं, आपको ये चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी। इन्फोसिस कब हायर करेगी 2022 बैच को, लास्ट बात बात कर लेते हैं। 22 बैच को अगर आप 8th सेम में जब पहुंचेंगे, जब मतलब आप अभी जो है 8th सेम जब आपका आएगा, तो जैसे ही आपको इन्फोसिस वापस हायर करेगी एट दी लास्ट फॉर दी रोल ऑफ सिस्टम इंजीनियर और फॉर दी रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर और फॉर दी रोल ऑफ अनादर पोस्ट, वो इन्फोसिस अगेन ऑफिशियली हायर करती है। और वहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो जाते हैं, लास्ट लास्ट में भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अच्छी चलती है इन्फोसिस टीम की तरफ से। एनफीटीक्यू हैक विद इन्फी स्पेशल एग्जाम में इन्फोसिस टीम की तरफ से बट इन्फोसिस वापस हायर कर सकती है, तो अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन ऑन रखिए। अगर आप ऑन कैंपस आपके कॉलेज में कंपनीज विजिट नहीं कर पा रही है, आप Tier 3 कॉलेज से हैं, तो आप ऑफ कैंपस के लिए ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेस परसेंटेज है तो बहुत सारी कंपनीज है। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी, और कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू सो मच आप सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, आप सभी के इतने अच्छे सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू जर्नी।